भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया। इधर सुनिए मादर, तुम कौन है जानने का जरूरत भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहिए। साला इधर सुनिए, 1904 में 1903 में भारत से छुटके नेपाल बन गया बोला ना, ये बहुत घटिया, बहुत चुतिया, बहुत झूठ बोला है तुम मादर चोतले। इसलिए इसी ने गाली गर्नु बेला छोड़ क्या, 1904 में 1903 में तुम्हारा भारत अभी का इंडिया, दो नाम ही ना इंडिया है कि भारत तुम्हारा देश का नाम, साला बेशिया नाम दो दो। भारत अंग्रेजों का गुलाम था, नेपाली कभी भी नेपाल कंट्री अंग्रेजों को गुलाम नहीं था। इधर सुनिए, नेपाल का स्थापना 1768 में 1768 में स्थापना हुआ, जो टाइम में तुम्हारा भारत है ना, तुम्हारा अभी का इंडिया है ना, दो बेशिया नाम, सारा का सारा जमीन हमारा नेपाल था वो टाइम में। बड़ा बड़ा बात मत करो, दुनिया को झूठ बात मत करो, त्यति मात्रै भन्छु क्या, मलाई जति आयो हिन्दी त्यति भन्दै। यो इन्डियनहरूले, यो इन्डियन चोरहरूले जतिखेरै पनि नेपाललाई पिन्ने, हेप्ने, रोटी बेटीको सम्बन्ध हो भने पछाडिबाट यति लामो चक्कु ढाडमा घुसाइदिने काम इन्डियाले गर्छ। जहिले पनि जुनसुकै प्रधानमन्त्री आओस्, जुनसुकै पार्टीको नेता आओस्, हामीलाई दबाउन, हाम्रो जमिन खोज्न, हाम्रो संस्कृति खोज्न, कहिले होइन बुद्ध भारतमा जन्मेको, कहिले सीता भारतमा जन्मेको भनेर विभिन्न तरिकाले यिनीहरूले आक्रमण गरिरहन्छ क्या। म त्यति मात्रै भन्दै लेट्स गो बाई यार दिमाग त तेयर।